अरियाक देखो जरा कतरो बड़ो अंडो दिनो। ये देखो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं इन गात की भरी हुई रोटियों के साथ। तो हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल करिश्मा बिस्ट। मैं करिश्मा देवभूमि उत्तराखंड से। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम मस्त चकाचक होंगे मेरी तरह। और अभी मम्मी लेके गए गायों को घुमाने के लिए, चराने के लिए, घूमने की बात है उनके लिए, है ना। और मैं बना रही हूँ गात की रोटी। और टाइम जैसे भरी हुई जैसे पराठे बनाते हैं तो मम्मी साथ में बनाती है, तो आज मैं फर्स्ट टाइम बनाऊँगी, तो देखते मेरी रोटियाँ फटती है कि नहीं फटती है। लेट्स स्टार्ट। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने ज़्यादा मोटा कर दिया इसको। फटा तो नहीं है बट मोटी हो गई है ये बहुत ज़्यादा। मतलब जो दो पराठे खाएगा वो एक ही खाएगा, ऐसा मोटा हो गया है। बट कोई नहीं, फटना नहीं चाहिए, है ना। ये वाले इतने नहीं फटे, आलू के मेरे से बहुत ज़्यादा फट जाते हैं। ये देखो ये थोड़ा थोड़ा मतलब हल्के से निकले हैं। आलू के तो यहाँ से भी सब जगह से निकल जाता है, मतलब आलू बाहर आ जाता है आलू के पराठे में। आलू सैर करने चला जाता है पराठे से बाहर। दाल फिलहाल बची हुई है, उसको पसंद आ रहा है आटे का घर। तो मेरा ये बढ़िया सा पराठा रेडी हो गया है, अपनी तारीफ अपने मुँह से। यहाँ तो पराठे भी फूट रहे हैं भाई, देखो। मैं तो कुक बन गई रे, मैं तो कुक बन गई। ये तो भूस हो गया, ऐसे ही रखो ऐसे फूल रहा है ये। तो दोस्तों नाश्ता सब हो गया है, मम्मी और मनु ने किया, मेरा आज फास्ट है। आज नवरात्रे का पहला दिन है, तो आप सबको नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और झाड़ू पोछा सब हो गया है, दरवाजे लगा दिए मैंने क्योंकि मैं जा रही हूँ अब नहाने के लिए। अभी दिया वगैरह कुछ नहीं किया है मैंने, तो आज जल्दी जल्दी किया सब। मम्मी ने भी हेल्प करी ताकि सब जल्दी हो जाए। और मम्मी फिलहाल घास के लिए चले गए, मैं जाती हूँ नहाने के लिए। लाली मुझे वहाँ से देख रही कि आज मुझे खोलेगी, आज नहीं खोलूँगी मैं लाली को, आज नहीं खुलेगा बेटा। तो अब वहाँ से नीचे आने की कोशिश कर रही है, मैंने कहीं नीचे ना गिर जाए वहाँ से, और गले में रस्सी भी है तो इसको मैं पहले उधर बांधूँगी, उसके बाद जाऊँगी नहाने के लिए। तो मिलते हैं अभी आपको थोड़ी देर में। तो मैंने नहा लिया है और अभी मैं ये रखने जा रही हूँ। मैंने ये सब कुछ नहीं किया अभी, इसमें मम्मी ने मिट्टी भर के रखी है, इसमें जौ जमाने। जौ मैं आज पहली बार जमाऊंगी, कल रात को जौ भिगा के रखे थे ना, वो हरियाली जमाते हैं ना, तो उधर तो मम्मी करते थे, यहाँ तो मम्मी पास रखते नहीं है, मैंने रखा है। तो इसको मैं आज पहली बार जमाऊंगी कि, तो देखेंगे कि मेरी हरियाली कैसे जमेगी। बाकी फुल भरा है ये, मुझे लग रहा थोड़ा कम करना पड़ेगा शायद। तो अभी मैं पहले दिया जला लेती हूँ, उसके बाद नीचे मंदिर में भी जाना है, जो हमारी झाली माली देवी है वहाँ भी जाना है। तो चलो टाइम भी काफ़ी हो ही गया है वैसे, मतलब सुबह 7-8 बजे कर लेना चाहिए था, बट यहाँ झाड़ू वाड़ू सब करने के बाद थोड़ा टाइम लगेगा, तो कोई बात नहीं, होता है ना। मन साफ रहना चाहिए आपका, जल्दी लेट कुछ नहीं होता। ये है दोस्तों हमारा छोटा सा मंदिर, और यहाँ पे ऊपर इतनी जगह नहीं थी तो मैंने ये वाला यहाँ पे रख दिया है दिया वगैरह। तो जो भी रख दिया यहाँ पे, और भाभी लोगों ने जो भी बताया जितना भी थोड़ा समझ आया मैंने किया है, बाकी थोड़ा बहुत गलती हुई होगी तो माता रानी से क्षमा चाहूँगी। बाकी अभी मैं जाती हूँ नीचे वाले मंदिर में, थोड़ा लाइट भी नहीं है तो इसलिए थोड़ा अंधेरा अंधेरा आया होगा। ये मम्मी के रूम से अटैच है ना, बाहर मम्मी का रूम है तो उस रूम से अटैच है, तो अंदर मंदिर है इधर। बाकी अभी मैं जाती हूँ नीचे मंदिर में, जो हमारा झाली माली देवी है, वहाँ भी दिया जला के आना है। तो पहले वहाँ दिया जला के आती हूँ, उसके बाद थोड़ा चाय पीऊँगी, चाय पीने का मन हो रहा है मेरा। अभी अपन बनाएगा थोड़ा सा चाय, दूध रखा होगा मम्मी ने, बट मेरे को चाय पीने का मन हो रहा है, चाय पीऊँगी मैं चाय। लाइट आई नहीं, तो अभी ये भी आ गए घर को और मम्मी भी आ गए घर को, तो थोड़ी सी चाय मम्मी भी पियेंगे मेरे साथ और आप लोग भी पियेंगे, तो लीजिए ये खाना है। दोस्तों आज ये मुझे चिढ़ाने के लिए पता नहीं क्या क्या निकाल रहे हैं, कह रहे आज तो तुम भी नहीं खाओगे, मजा आ गया। इतना शौक है इनको खाने का, कचर पुचर खाते रहते हैं। नहीं खाना है मेरे को, मेरा मन ही नहीं हो रहा खाने का।
अंदर जाके बोल रहे आज तो तुम ये भी नहीं खाओगे, अच्छा आज तो तुमने ये भी नहीं खाना है। दाल चोखो दाल अंदर जाके डाल। कितने जल्दी जल्दी आया हो तो जल्दी आने का कुछ तो फायदा दो, फायदा। खाना हमारा बन चुका है आज, दाल मन्नू ने बनाई, मैंने चावल रखे और आज अंदर ही बनाया, बस दो रोटी और बनाई है मम्मी के लिए। और मम्मी गए थे नीचे मिर्ची लेने के लिए और धूप देखो कितनी तेज़ हुई है आज, और मैं इस धूप में वीडियो बना रही हूँ क्योंकि इतने दिनों से धूप का दर्शन नहीं हुआ था, आज हुआ है तो आज थोड़ा सा धूप में घूम लेते हैं। अब वो देखो ऊपर छत में छाता लेके जा रखे, ऊपर दाल रखी है ना मम्मी ने सुखाने के लिए, तो थोड़ा बंदर की रखवाली के लिए थोड़ा सा गए ऊपर। तो अभी खाना खाएंगे तो अभी मिलेंगे आपको थोड़ी देर में। अभी धूप हो रही है बट धूप भी ऐसी हो रही है असहनीय, असहन नहीं की जा रही है, काफ़ी तेज़ हो रही है। तो यहाँ पे पेड़ है, पेड़ की छाँव में नीचे है, पानी लगा है थोड़ा सा, नीछे पानी आ रहा है वो बढ़ जाएगा। जो भी अभी छत से अपने कपड़े लेके जा रही है और जब तक पानी आ रहा मम्मी ने कहा तब तक मैं मिर्चे हटा देती हूँ बलवान से, वो दिख रहे मिर्चों के डंठल निकाल देती हूँ कि वो निकाल रहे। तो धूप देखो कितनी तेज़ हो रही है, मम्मी उस धूप में निकाल रहे डंठल, बस जब तक पानी आ रहा तब तक। तो उनको तो धूप नहीं लग रही, मेरे को लग रही है, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। पानी बंद हो जाएगा तो उसके बाद अंदर जाएंगे, एक दो रील बनाऊंगी बनेगी, तो उसके बाद मैंने ये निकाल देना है झंझट। ईशू इसको ठंड लग रही है देखो, ठंड गरम है, इसको कंबल दे दूंगी अभी थोड़ी देर में मैं, कंबल चाहिए पानी भी भर चुका है और अब मैं जा रही हूँ पानी बंद करने के लिए। वहाँ पाइप वहाँ से आता है ना नल से, तो पाइप जोड़ना है नीचे दादी लोग के लिए, मतलब पहले हम भरते हैं फिर दादी लोग भरते हैं, तो पहले वो बंद करके आ जाती हूँ फिर जाती हूँ मैं अंदर। दोस्तों आज नींद तो आई नहीं, सोई नहीं, तो मैं रील्स बनाने बैठी और मैंने ये सब डाल दिया उसमें, तो अभी चेंज भी नहीं किया है। तो अभी देखते हैं हम अंदर पीछे सब्जी क्या है शाम के लिए, तो देख के आते हैं, जरा करेला वगैरह होगा वो निकाल के लाते हैं और दिखाते हैं आपको भी कि अभी सब्जी क्या हुई है। फिलहाल ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, फिर भी दिखाती हूँ कि क्या क्या हुआ है हमारे पीछे वाले छोटे से गार्डन में। मन्नू सब्जी तोड़ रहे थे तो ऊपर भैया जी ने सोचा कि बंदर आ गया, बंदर आ गया, तो वो बोले बंदर आ गया, ये है बंदर, ये बंदर खा गया। तोरी करेला, वैसे आज शाम को एक लौकी है पड़ी हुई, वो नीचे मौसी जी ने दी थी ना, तो उसके कोफ्ते बनाएंगे। प्याज तो डलेगा नहीं इसमें, टमाटर ही टमाटर से बनाएंगे, तो वही बनेगा आज कोफ्ते। करेला कल सुबह के लिए निकाल रहे हैं और बाकी एक दो तोरी दिख रही है जो पुरानी हो जाएगी अगर निकालेंगे नहीं, तो इसलिए उसको निकाल रहे, बाकी इतनी ज़्यादा हुई नहीं है। और ये देखो मम्मी इसके लिए बोल रहे ना आप श्याम सुंदरी, नहीं हाँ दाल है, हरी दाल, अच्छा ये तो दाल है। एक सब्जी श्याम सुंदरी करके भी है, सेम ऐसी होती है हुई बारीक सी, तो एक ये भी है। बाकी ये देखो बीन्स हुई है वहाँ पे, दिखेगी नहीं दूर है ना, हाँ ये है बीन्स। और एक इधर गेंठी है, गेंठी की सब्जी जो आलू की तरह होती है, ये देखो हाँ सी, वहाँ पे एक कद्दू भी दिख रहा है, है? देखो छोटा है, गेंठी भी बड़ी लग रही है काफी। ये है गेंठी, आलू की तरह होता है ये, तो एक हमको ये मिला है, बाकी छोटे छोटे है। इसको कब बनाएंगे देखते हैं, कब बनाते हैं, गेंठी बोलते हैं इसको, तैड़ू तैड़ू छू। और एक ये है लगे होंगे पर दिख नहीं रहे काफी, बेल देखो ऐसा झाड़ है ना पूरा, तो ऐसी छुपे हुई चीजें रहती है तो मिलती नहीं, इसलिए ढूंढने आना पड़ता है। बाकी सब्जियां तो वैसे लगती है थोड़ा बहुत, हम तीनों के लिए तो हो ही जाती है थोड़ा थोड़ा, मतलब आजकल ये है कि मार्केट से नहीं लानी पड़ती, थोड़ा 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 करके हो ही जाती है सब्जियां, छिमी वगैरह सब थोड़ा थोड़ा हो ही रहा है। अभी हमको ये सब मिला है, तीन गेंठियां मिली है, थोड़े करेले मिले हैं, एक दो करेले इधर है, और परमल भी निकाले मम्मी, परमल परमल निकालेंगे दूसरे दिन। ये की है और ये परमल है, छोटे हैं अभी, थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे तो इनको निकालेंगे, परमल ऊपर भी लगे सारे, वो छत से निकाले जाएंगे, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा सब्जी निकालते हैं तो हमारे लिए इनफ हो जाता है ये, इसमें परमल लगे अभी। एक चीज़ मिली है ये देखो,
यूछा इल्लड़ है ये, करेला नहीं, वो भी ककड़ी नहीं है, ये कड़वी होती है तो इसको गाय को दिया जाता है। और बंदर इतना चालाक है ना, इसको नहीं खाते। आ जाओ हरियक दिख जरा कतरो बड़ो अंडो दिन इस कम वर्गीन कतरो बड़ो अंडो दिन इसमें छिलका नहीं है, ये देखो मनका नहीं है इसमें। और ताई जी भी देखने आई है अंडा, इतने सारे लोग यहाँ पे अंडे के वो कर रहे हैं, चर्चा की जा रही है, अंडे की चर्चा की जा रही है, मैं लेके जा रही हूँ बाय। कहाँ से कर रही है हेलो हेलो, चल बाय, हम सब्जी बनाने जा रहे। अभी आपने देखा उनकी मुर्गी ने कैसा अंडा दे रखा था बिना छिलके का। और अभी हम जाते हैं घर को, टाइम हो गया है सब्जी काटने का। हम लौकी काटते हैं, लौकी के आज कोफ्ते बनाते हैं। और उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पे नए हैं। और आपने नवरात्रि कैसे मनाया मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग में, अपना ध्यान रखें, बाय बाय।